हाय गाइस, कुछ लोगों को इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता। वो लोग कहते हैं कि दोनों ही सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में डिफरेंस है और वो डिफरेंस अभी हम लोग देखने वाले हैं थियोरेटिकली। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, बट ऑल मेथड्स ऑफ एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर आपने मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वीडियो ट्यूटोरियल देखा होगा तो वहाँ मैंने बताया है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, या फिर आप चाहें तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं भी लिखी, यानी कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, या तो उसमें कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना हो, या फिर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो तो दूसरा मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, ये ज़रूरी होता है कि आपने अगर किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो वह क्लास एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये मैंडेटरी होता है एब्स्ट्रैक्ट में। बट यहाँ अगर इस तरीके से हम लोग देखें कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी अपने पास रख सकता है। बट इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में जितने भी मेथड होते हैं सब के सब टोटल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता। इंटरफेस में कोई भी मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है, अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस, बट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन ओनली सब क्लास वन क्लास। ये तो थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, खैर जो भी हो मैं आपको मतलब बता देता हूँ। ठीक है, मैंने ही लिखा हुआ है, खैर कोई बात नहीं, अभी एडिट करने का टाइम नहीं है। अच्छा, इसमें हम लोग इस पॉइंट में आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस, यानी कि दो इंटरफेस से ऊपर में, देखिएगा थोड़ा सा दिमाग में एज्यूम कीजिए कि ऊपर में दो इंटरफेस है और उससे आप उन दोनों इंटरफेस को से आपने एक क्लास डिराइव किया, यानी कि वह क्लास जो है दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, दो इंटरफेस ऊपर में, उसके नीचे एक क्लास, तो वह जो क्लास है वह क्लास उन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ये इंटरफेस में होता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप एक क्लास डिराइव कर सकते हैं, दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप एक क्लास डिराइव नहीं कर सकते। या दो इंटरफेस से उससे आपने एक क्लास डिराइव किया है या फिर इम्प्लीमेंट किया है, हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको डिराइव ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दो इंटरफेस से आपने एक क्लास डिराइव किया है और यहाँ ये पॉसिबल है इंटरफेस में, लेकिन दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आपका उससे आप एक क्लास ड्राइव करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिर वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ अवेलेबल नहीं है जावा प्रोग्रामिंग में। उसके लिए हम लोगों ने उसके लिए हम लोग इंटरफेस का यूज़ करते हैं। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक क्लास सिर्फ एक सुपर क्लास से एक सब क्लास होता है, दो एक सब क्लास का दो सुपर क्लास नहीं हो सकता। छोटा और सबसे आसान स्टेटमेंट मेरा ये है कि एक सब क्लास का दो सुपर क्लास नहीं हो सकता है, एक सुपर क्लास का एक सब क्लास। ठीक है, ऐसा हो सकता है। हाँ, एक सुपर क्लास के एक से अधिक सब क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन एक सब क्लास का एक से अधिक सुपर क्लास नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल बट इंटरफेस कैन नॉट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल लिख सकते हैं आप, लेकिन इंटरफेस में इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है बाय डिफॉल्ट सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। ठीक है, तो ईजी है। नेक्स्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अ यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बट एन इंटरफेस हैज नो कंस्ट्रक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता है लेकिन इंटरफेस में नहीं होता है। ठीक है, एवरी मेथड ऑफ एन इंटरफेस इज ऑटोमेटिकली पब्लिक। इंटरफेस में हम लोग जानते हैं कि इंटरफेस में जो भी मेथड हम लोग लिखते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होता है बाई डिफॉल्ट और पब्लिक होता है। बट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव नॉन पब्लिक मेथड, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा नहीं है। ओके, सो ये है इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आई होप कि आप लोगों को दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।